गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्लेसमेंट्स। आज हम लोग क्वाड्रेटर के सीरीज में डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रेपेज़ियम के बारे में, ठीक है। जो लोग क्वाड्रेटर का शुरू का क्लास नहीं किया तो कर लें ताकि उसको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं आज ट्रेपेज़ियम। तो हेडिंग लगा लें, ट्रेपेज़ियम समलंब चतुर्भुज, ठीक है। इसमें क्या होगा, दो भुजा समानांतर होगा और दो कोण समानांतर होगा, दो पैरेलल साइड और दो नॉन पैरेलल साइड। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ए बी और सी डी समानांतर और यह दोनों समानांतर। इस तक जो भी शेप आएगा उसको हम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज ट्रेपेज़ियम। यदि यह भुजा इसके बराबर हो जाए तो उसको बोला जाता है आइसोसेलस ट्रेपेज़ियम। आइसोसेलस ट्रेपेज़ियम समद्विबाहु समलंब, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम जनरल ट्रेपेज़ियम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना, जब बराबर हो या नहीं, क्लियर है। चलिए, तो पहला पॉइंट आप यहाँ नोट करेंगे कि ए प्लस डी बी प्लस डी, चूंकि आपको मालूम है कि इस पर ये दो पैरेलल साइड लेंगे तो यह थीटा, तो यह होता है 180 माइनस थीटा और दोनों का योग कितना होता है 180। ये कब होता है, जब दो नॉन पैरेलल साइड, सॉरी जब दो पैरेलल साइड लेंगे और किसी साइड के दो पैरेलल साइड ले रहे हैं दोनों के अंतर वाले भाग में, अंदर वाले भाग में जो एंगल बनता है उसका योग कितना 180। देखना है यह क्या है, यह लाइन इस पर पैरेलल है तो यह और इसका यह थीटा लेंगे तो यह 180, क्योंकि यह पैरेलल है। उसी प्रकार से इधर से भी यह पैरेलल लाइन है, यदि इसको हम अल्फा लेंगे तो यह क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ताकि इन दोनों का योग और इन दोनों का योग 180, बल्कि ए डी प्लस बी डी 180 होगा, क्लियर। अरे यह भी इसके समानांतर होता तो इस दोनों का जोड़ 180 होता, लेकिन है तो नहीं, दोनों समानांतर नहीं है, यह दोनों समानांतर था तो इसका योग और इसका योग 180 होता, क्लियर। दूसरी बात, इसको मिला, ठीक है, मिला नहीं। यदि इसको मान लिया हम, इसको एंगल मिटाते हैं, आप लोग समझ पा रहे हैं, इसको लेंगे अल्फा, ठीक है, तो यह भी अल्फा हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से, क्यों, ये दोनों समानांतर या ट्रांसवर्सल लेंगे। यदि इसको लेंगे बीटा तो यह हो जाएगा यह बीटा, अब यह लेंगे गामा तो यह भी हो जाएगा गामा। इस ट्रेंगल को देखें, तीनों कोण इसके तीनों बराबर हो गया, त्रिभुज क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा। ट्रेंगल नाम कैसे लिखें, ए ओ बी सिमिलर ट्रेंगल, ए इक्वल है सी, ओ इक्वल दोनों को बराबर है गामा गामा, बी बी यहाँ है बीटा और यहाँ डी है बीटा, इसका बी इसके डी बराबर, ओ ओ के बराबर, ए सी बराबर, नाम ऐसे भी लिखना है, जो एंगल जिसके बराबर है उसको उसके इक्वल करना है। बी टी के बराबर है देखो, ओ तो बराबर है गामा गामा और ए सी बराबर है अल्फा, तो क्या आ जाएगा इसमें, जब इक्वल एंगल हो जाए इसका समानुपाती हो जाएगा, समानुपाती जब होगा कैसे, ए ओ बाय सी ओ, यदि लेंगे ओ बी तो यदि लेंगे ए बी, अब जब ऑर्डर में लिखने, ऑर्डर में लिखना चाहिए ऐसे, समझ गया ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ ए बी इधर हो गया, ओ बी ओ डी, ए ओ सी, तो आपको ज्यादा यूज पड़ेगा इसका ए ओ बाय ओ सी, देखे सेम डायग्राम में ए ओ बाय ओ सी, तो नीचे वाला भाग पढ़ लिया तो इधर भी ओ बी बाय ओ बी, समझ ध्यान से, एक ए सी डायगोनल एक बी ओ डायगोनल, बी डी डायगोनल, बी डी और ए सी, जब ए सी में जाएंगे ओ बी लिए नीचे भाग तो ऊपर भाग ओ सी, उसी प्रकार इधर लेंगे नीचे वाला भाग वो भी तो ऊपर वाला भाग वो भी, क्लियर है, आ गया चले, मजा आ रहा आप लोगों को, ठीक। तीसरा पॉइंट ध्यान से देखना, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल
ABB इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, होगा क्या बताइए? ABD का एरिया और ACDB का एरिया, ACBB अब सही होगा। ADB, ADB इस बेस की बात कर रहे हैं, तो यदि बेस B ले लेंगे और हाइट ले लेंगे h, इधर वाले का एरिया हो जाएगा 1/2b into h, और जब लेंगे ACB, ACB इसका एरिया लेंगे 1/2, बेस हो गया b ही और हाइट क्या होगा या h, तो या h से भी क्या होगा h होगा, क्योंकि यह दोनों लाइंस के समानांतर है, हमेशा डिस्टेंस क्या होगा दोनों बीच का, एक बात क्लियर ठीक है। अब एक बात बताइए, इसमें यदि हम देखें इसमें हम लेस करते हैं, समझ के बराबर हो रहा है, इसमें हम लेस कर रहे हैं ट्रायंगल AOB, इधर भी लेस कर रहे हैं ट्रायंगल AOB मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। अब बताइए ABD या ADB में हम क्या किए, इधर भी AOB घटा दी, इस भाग मतलब भाग को घटा दी, AOB को घटा दी, इधर भी ACB में क्या कर दिए, AOD हटा दिए, AOD AOB ACB में क्या घटा दिए, AOB AOB इधर भी घटा दिए, इधर भी घटा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों बराबर था, जब ADB का एरिया और ACB का एरिया क्या था, बराबर था, इधर जो घटा उधर भी जब घटा दिए, अब क्या बचा, यह भाग बचा, तो यहाँ बच गया आपका इम्प्लाइज AOD, इधर क्या बचा है BOC, यह बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्या निकाले हम लोग, AOD का एरिया BOC का एरिया क्या होगा, बराबर होगा, कब, जब यह दो लाइन क्या था, समानांतर था, और दो लाइन क्या है, O समांतर है, तब हमेशा ध्यान दीजिएगा कि समलंब चतुर्भुज में, ठीक है, समलंब चतुर्भुज में यदि इस तरह का फिगर बना हुआ है, O समांतर भुजाओं पर जो ट्रायंगल बनेगा, इन दोनों का एरिया क्या होगा, समांतर वाले को नहीं, यह समांतर पर ये नहीं लेना है, क्योंकि यह लाइन, यह लाइन समांतर था, इसको नहीं लेना है, वो समांतर में AD आया और BC आया, AD बेस पर जो बन रहा था और BC बेस पर जो बन रहा था, AD बेस पर और BC बेस पर जो बन रहा था ट्रायंगल, ये दोनों का एरिया क्या होगा, क्लियर है, तो 3 या 4 पॉइंट हो गया होगा, तो जो भी पॉइंट होगा आप आगे कंटिन्यू कर लेंगे, या समलंब बना ली ABC, बिल्कुल आराम से हड़वाना नहीं, ठीक है ना, ठीक है, जिनको 100 पे फास्ट करने का, तो उसमें एक बटन दिया हुआ, उसको क्लिक करेंगे फास्ट लेने का, और स्लो जिनको होना, उसमें एक बटन मिलेगा, डालिएगा, टच कीजिएगा, स्लो हो जाएगा, बस ले ना, चिंता कोई बात नहीं, समझना चाहिए, समझ में आने चाहिए। आइए देखिए इसका एरिया जो होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये जिसका हाइट AB और CD क्या है, पैरेलल, ठीक है, कैसे होती है, H तो हो जाएगा एरिया किसका, ट्रेपेजियम का, हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, ADB और इधर से कौन ट्रायंगल बनेगा, BCD या BDC, ठीक है, आइए ADB का एरिया बताइए, ADB का 1/2 बेस हो गया AB और हाइट हो गया H, इधर वाले में DBC में 1/2 बेस हो जाएगा CD और हाइट यही काम करेगा ना, क्योंकि इस ट्रायंगल का जो हाइट होगा अंदर तो होगा ना, बाहर लेना पड़ेगा, इसको आगे बढ़ाते या मिला, है ना, या ऐसा क्या होगा, ये एच एन होगा, चलिए तो हो जाएगा BDC के लिए बेस हो गया CD और हाइट हो जाएगा H, यहाँ से 1/2 और H कॉमन हो गया, AB हो जाएगा आपको, बात क्लियर है। पांचवा पॉइंट, इसका जो डायगोनल होता है वो, जैसे यह डायगोनल है, तो ABC तो डायगोनल नॉट बाइसेक्ट हॉर्टिस एंगल, ठीक है ना, डायगोनल
नॉट बाय सेक्ट वर्टेक्स एंगल, ठीक है। साथ ही साथ डायगोनल्स नॉट बाय सेक्ट एट, कहने मतलब क्या हुआ कि यह एंगल और यह एंगल बराबर नहीं होगा, थीटा दिया, ठीक है। कब इक्वल होगा हम आगे डिस्कस करेंगे, आज अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल ट्रेपेजियम, ठीक है ना, समान समलंब चतुर्भुज डिस्कस कर रहे हैं। ये इक्वल हो सकता है जब आइसोसेलस होगा, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरल की बात कर रहे हैं। या डायगोनल नॉट बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, और या डायगोनल्स दोनों डायगोनल नहीं बाइसेक्ट करेगा ओपन, इसका मतलब कि आपको जोड़ने की या इसके बराबर हो या इसके बराबर हो या अलग अलग भी हो सकता है, बात क्लियर। आगे चले तो नोट भी करते चले। नेक्स्ट कैंडिडेट है ए बी सी डी, या ठीक है हम लोग एरिया पढ़ चुके हैं, 1/2 d1 d2 sin, या d1 बता रहा है AC को और d2 बता रहा है। एक और इसी में आ जाएगा a1 a2 क्या होगा, कैसे होगा बताइए। A1 भी आधा लिख गया, थीटा दिया कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, या थीटा यह हो जाएगा 180 माइनस थीटा। A1 का एरिया कितना आपको मालूम है, या ट्रायंगल है और दिया A है या B है या थीटा, जिसका एरिया होता है 1/2 AB sin थीटा, ये आपको बता चुके हैं। A1 के लिए आप बता सकते हैं, यदि मान लें A है या B है या C हो गया या D हो गया, तो या O है ना, या नाम है या O, ठीक है, अब क्लियर दिख रहा है। चलिए यहाँ जाएगा ए बी साइन थीटा 1/2 है, और A3 की बात करें ऊपर वाले का 1/2 सी डी, सी और या डी लेंथ हो गया, ओ सी का लेंथ सी है और डी का लेंथ डी है, साइन 180 माइनस थीटा, तो यह मिल के हो जाएगा 1/2 सी डी साइन थीटा, सेकंड में चला गया साइन थीटा हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। इधर हम ए बी की बात करें, इधर ए टू की बात करें तो 1/2 कितना हो जाएगा बी सी साइन 180 माइनस थीटा, और ए फोर की बात करें यह हो जाएगा कितना हो जाएगा, ए फोर की बात करेंगे तो सॉरी ए थ्री भी यहाँ थीटा ही आएगा, इसको सुधार कर लेंगे, ठीक है। इधर हो जाएगा ए फोर में 1/2 8/2 और कौन लेना है, ए फोर लेना है 180 माइनस थीटा, फिर समझिए। इसका तो हो गया A1 में, जिनका मिस्टेक हुआ तो भी दोनों को सुधार कर लें कि A1 में भी क्या लिए ए बी साइन थीटा, ठीक है। A3 में भी थीटे हैं, सी डी हो गया भुजा और साइन थीटा बीच का एंगल। इधर जब A2 में चले जा रहे हैं क्या हो जाएगा इसमें 1/2 BC साइन 180 माइनस थीटा, और इधर वाले में भी क्या हो जाएगा ए ओ डी वाले में भी क्या रहा है, ए फोर जो है उसका एरिया में ए डी साइन 180 माइनस थीटा, और आपको मालूम है कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। इधर वाला जो भाग हो गया आपका 1/2 BC साइन थीटा हो गया, और यह वाला जो भाग हो गया 1/2 AD साइन थीटा, क्लियर। क्या पता चला, लेफ्ट साइड में 1/4 ए बी सी डी साइन स्क्वायर थीटा, राइट साइड में भी 1/4 ए बी सी डी साइन स्क्वायर थीटा, पता चल गया कि इन दोनों के एरिया का गुणनफल और इन दोनों के एरिया का गुणनफल क्या होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होगा। अभी जस्ट हम कुछ एग्जांपल इस पर कराएंगे, आप लोग और मजा भी आएगा, ठीक है, आप लोग नोट करते चले। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 8 नंबर, ए बी इसके मिड पॉइंट में है, तो पी क्यू आर एस या मिड पॉइंट, पी क्यू आर एस का मिड पॉइंट तो क्या बनेगा, पी क्यू आर एस बता सकते हैं, क्वाड्रेंट तो बनेगा ही बनेगा, नहीं बनेगा क्या समझेगा, इसको भी मिला दें, इसका ये आधा और समांतर या इसके समानांतर, मुझे इधर को मिलाएंगे इसका या आधा और या क्या हो गया समानांतर,
आपको पता चल गया इसमें कि पी एस सॉरी पी क्यू समानांतर ऐसा, और इधर से पी एस समानांतर क्या हो गया आपके, तो समानांतर तो आएंगे, तो अब पैरेललोग्राम होगा, रेक्टेंगल होगा। लेकिन रेक्टेंगल तभी होगा जब डायगनल बराबर, लेकिन डायगनल बराबर नहीं है। देखिए पी क्यू आर एस का डायगनल हो गया पी आर, और वह बराबर नहीं होगा दूसरा डायगनल पी क्यू आर एस का हो गया एस क्यू, तो बराबर नहीं, इसलिए यह क्या हो जाएगा आपका पैरेललोग्राम। क्या आप लोग को दिख पा रहा है यहाँ तक पैरेललोग्राम? क्लियर। तो समलंब चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से क्या बनेगा आपका? समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। अब यह इसका मिड पॉइंट है, तो पी क्यू जो होगा वह ए बी प्लस सी डी का आधा। कैसे होगा इसको मिला? अब आप बताएंगे यहां से ए ओ कितना हो, चूंकि यह लाइन इसके समानांतर, तो ए ओ जो होगा ए बी का आधा होगा, और ओ क्यू यदि लेते हैं तो ओ क्यू यह भी इसके क्या है समानांतर है, तो ओ क्यू जो होगा डी सी का आधा होगा। इसको जैसे जोड़ेंगे ऐड करेंगे ए और ओ क्यू, ए ओ सॉरी पी ओ होगा, यहाँ पी ओ कितना होगा ए बी का आधा, ओ क्यू कितना होगा सी डी का आधा हो गया। तो पी ओ और ओ क्यू जब ऐड करेंगे पी ओ और ओ क्यू मिलकर पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा ए बी प्लस सी डी बाय टू जुड़ जाएगा ये। क्या दिख पा रहा आप लोगों को? क्लियर हो गया। तो पी क्यू निकल गया ए बी प्लस सी डी बाय। तो आगे चले, आप लोग का इजाजत है, मजा आ रहा होगा आप लोगों को उम्मीद करते हैं, ठीक है। सिर्फ इसी तरह मेरे साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक तो पहुँचाने का प्रयास करें। हम हर चीज़ आपको उपलब्ध कराएंगे, इसका जब प्रॉब्लम कराएंगे तो आपको लाइव क्लास में कराया जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट हो गया, जो भी होगा शायद 10 नंबर होगा या 11 नंबर, जो भी होगा डाल लीजिएगा। इसमें दिया गया ए बी सी डी एक ट्रेपेज़ियम है। ए बी सी डी क्या है? ट्रेपेज़ियम। ठीक है, जहाँ ए बी सी डी और पी क्यू क्या है समानांतर, ठीक है। उसके बाद पी और क्यू मिड पॉइंट है, किसका? डायगनल ए सी और डायगनल बी डी का। पी क्यू मिड पॉइंट हो गया डायगनल ए सी और बी डी का, बोला आपको मिड पॉइंट नहीं लग रहा है लेकिन मिड पॉइंट, ठीक है, ए सी और बी डी में डायगनल। तो पी क्यू बताना इतना होगा, ठीक है। देखिए इसके तो भाव के मान इन ट्रेंगल बताइए डी ए बी में, डी ए बी में क्या देख पा रहे हैं आप कि के क्यू समानांतर ए बी, तो क्या हो जाएगा? और मिड पॉइंट भी है चूंकि यह दोनों मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ ए बी निकल जाए सॉरी के क्यू निकल जाएगा ए बी का, ठीक है। उसके बाद लीजिए इस ट्रायंगल ए डी सी में, ए डी सी देख पा रहे ए डी सी में क्या है के पी समानांतर हो जाएगा सी डी के पी समांतर हो गया सी डी या डी सी लिख दीजिए, के पी समांतर डी सी है, और यह मिड पॉइंट डी मिड पॉइंट हो गया तो के पी जो हो जाएगा वो आधा हो जाएगा डी सी के, ठीक है। तो अब के क्यू में के पी घटा दो, इसमें यह घट जाएगा ए बी माइनस सी डी बाय टू। के क्यू में के पी घटाइए, के से क्यू में के से पी, के से क्यू में के से पी जब सेपरेट करेंगे के क्यू आ जाएगा, जो हो जाएगा ए बी माइनस सी डी, सी डी या डी सी जो लिखा बात में। एक लास्ट और इम्पोर्टेंट बात आपको बताने जाएंगे, इसको पहले नोट कर लें जो कि एग्जाम के काम। नेक्स्ट पॉइंट हो गया बहुत इम्पोर्टेंट, ए बी सी डी क्या होगा आप लोगों को मालूम है, ट्रेपेज़ियम पढ़ रहे हैं, ट्रेपेज़ियम या ए बी समांतर सी डी, हम लोग को यहाँ प्रूव करना है।
एसी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर बी सी स्क्वायर ट्वाइस ए बी। क्या आप लोग को दिख पा रहा है यहां तक? क्लियर है? क्या लिया है? ए सी प्लस बी डी डायगनल के स्क्वायर का सम इक्वल क्या हो रहा है? ए डी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नॉन पैरेलल साइड ए डी और बी सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ पैरेलल साइड का प्रोडक्ट ए बी इंटू सी। ठीक, देख इसको यहां लम डाल दीजिए, इससे यहां भी लम डाल दीजिए, इसको ए मान दीजिए, ए हो जाएगा, इसको एक्स और इसको वाई। क्लियर? या एम हो गया और एम इन ट्रायंगल एसीएन एसीएन बताइए एसी स्क्वायर हो जाएगा एएन स्क्वायर प्लस एन सी। राइट एंगल लगा लो तो एसी स्क्वायर एएन ए से एन को लिखा जाएगा ए प्लस एक्स और एन सी को लिखा जाएगा हाइट एच मान लेते तो एम डी वही होगा तो एन सी हो गया एच। आगे चलिए उसके बाद लेते हैं एम ट्रायंगल। अब लेते हैं इधर से डी एम बी जैसे भी ए सी एन दिए थे इस प्रकार लेंगे डी एम बी। डी एम बी क्या हो जाएगा? डी बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा डी एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर। तो बताइए डी बी तो रहने देते हैं और डायगनल तो यहां डी एम डी से एम हाइट हो गया एच स्क्वायर एम बी तो एम बी यहां से यहां तक का कितना लेंथ है ए प्लस वाई स्क्वायर। क्या बात क्लियर है? चलिए अब दोनों को जोड़िए, इसको जैसे ऐड करेंगे फ्रॉम वन प्लस आ जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। लेफ्ट साइड जोड़ दिए राइट साइड में हो गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ट्वाइस एक्स प्लस इसको लीजिए एच स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ट्वाइस ए वाई। क्लियर है? चलिए अब इसको आगे के लिए चलते हैं हम लोग ए स्क्वायर जो हमें ए स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हम लोग को सी डी स्क्वायर इतने लाना है ए स्क्वायर अपना लीजिए ए स्क्वायर कितना बार आया? दो बार आ गया ए स्क्वायर। क्लियर है? चलिए उसके बाद एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ए डी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए एक्स स्क्वायर और एच स्क्वायर एक साथ एच स्क्वायर वाई स्क्वायर एक साथ तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर हम ले चुके हैं, इसको इसको हटा लिए बात खत्म हो गया। अब बताएं एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर मिलकर क्या होगा? एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर मिलकर ए डी स्क्वायर हो गया क्योंकि ये राइट एंगल नंबर है। इधर एच स्क्वायर वाई स्क्वायर एच स्क्वायर वाई स्क्वायर मिलकर ये बी सी स्क्वायर होगा क्योंकि ये भी राइट एंगल है। प्लस क्या बच गया आपका? ट्वाइस ए एक्स ट्वाइस ए वाई इसमें ट्वाइस ए कॉमन देखिए इसको। तो अब यहां से क्या करेंगे इसको जैसे ऐड करेंगे एक और दो को ऐड कीजिए फ्रॉम जोड़िए ए सी स्क्वायर प्लस बी डी लेफ्ट साइड ऐड कर दी राइट साइड जाएंगे इसको इस पार करेंगे हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ट्वाइस एक्स प्लस इसको लेंगे एच स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ट्वाइस। अब यहां देख पा रहे हैं ए स्क्वायर दो बार आ गया। ठीक है, और एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर मिलकर क्या होगा? एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर राइट एंगल बन रहा है एडी स्क्वायर प्लस टू ए एक्स टू ए वाई टू ए कॉमन। ठीक है, या एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर राइट एंगल बन रहा है क्या होगा? बेसिस क्लियर है? सारा चीज ले लिया तो यहां से पता चल गया ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर एडी स्क्वायर टू एक्स टू ए वाई टू ए कॉमन किए थे एक्स प्लस वाई और एच स्क्वायर वाई स्क्वायर मिलकर क्या हो गया? बी सी स्क्वायर एच स्क्वायर वाई स्क्वायर मिलकर बी सी स्क्वायर क्योंकि ये राइट एंगल है। तब यहाँ से आपको फाइनल आ गया टू ए स्क्वायर इसको यहाँ लेते हैं। चलिए देखिए ट्वाइस
ए स्क्वायर, है ना। तो ट्वाइस ए स्क्वायर तो आप लिख सकते हैं कितना, ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस ए डी आ चुका है, बी सी आ चुका है, और ट्वाइस ए एक्स प्लस वाई को क्या लिखा जाए, रुकिए यहाँ इसका सुधार कर लेंगे आप, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई एक ही बार ए लेते तो काम बन जाता है यहाँ से, नहीं तो यहाँ से इन दोनों कॉमन कर लेते हैं, इन दोनों को कॉमन कर लीजिए, किसमें किसमें, इसमें और इसमें कॉमन कर, समझिएगा ध्यान से, क्योंकि हम लोग ये रिलेशन लाना है ना। तो इन दोनों में जब कॉमन कर लेंगे ट्वाइस ए क्या मिलेगा, ए बचेगा यहाँ पे, और यहाँ क्या ट्वाइस लेंगे क्या बचेगा, एक्स प्लस होगा, इन दोनों को कॉमन करने के बाद यहाँ ए, यहाँ एक्स प्लस वाई, और ए डी और बी सी, ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहाँ आप लोग को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है नीचे लिख देते हैं, ए डी स्क्वायर प्लस, क्लियर है। तो इन दोनों में टू ए कॉमन कर लिया और इसको लिख दिया, अब बताइए ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर तो रहने दीजिए, ट्वाइस ए, ए का मतलब हो गया सी डी, और ए प्लस एक्स प्लस वाई, ए प्लस एक्स प्लस वाई मिलकर क्या हो गया, ए बी आ गया। तो यह बात आपका प्रूव हो गया कि ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल में आ रहा था, हम लोग लाए इक्वल में ए डी स्क्वायर बी सी स्क्वायर ट्वाइस ए बी इंटू सी डी, बाकी में इसको आपको याद रखना, याद हम लोग को दिख पा रहा हूँ उम्मीद करते हैं, ये भी दिख पा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ओके। तो याद कैसे रखेंगे आप देखिए, तब यहाँ करेंगे डायगोनल का स्क्वायर ए सी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर, जबकि आपको समानांतर में इसे बताया गया है, समानांतर में याद कीजिए ए बी सी डी क्या था वहां, डायगोनल का स्क्वायर डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर ट्वाइस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पढ़े थे डी वन स्क्वायर डी टू स्क्वायर ट्वाइस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल होता था या एल और यह हो गया बी, एल स्क्वायर बी स्क्वायर का दोगुना डी वन स्क्वायर डी टू स्क्वायर होता था। वैसे यहां पर हो जाएगा कि डायगोनल स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, डायगोनल ले लिए इक्वल हो जाएगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नॉन पैरेलल साइड ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस के साथ लेना है प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल साइड ट्वाइस ए बी इंटू सी डी, क्योंकि ए बी और सी डी क्या है पैरेलल। इससे बहुत बेहतरीन सवाल आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, अभी एग्जाम्पल हम लेकर आपको बता रहे हैं, तब तक इसको नोट कर लें। ए बी सी डी या ए बी समानांतर सी डी, ठीक है, ए बी दिया है 6 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, सी डी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ए डी दिया है 3 सेंटीमीटर और ए सी दिया है 7 सेंटीमीटर, देन बी डी बनाए, तो आपको दे दिया ए आपको दिया है 6 सेंटीमीटर, बी सी हो गया 4 सेंटीमीटर, सी डी हो गया 5 सेंटीमीटर, ए डी हो गया 3 सेंटीमीटर और ए सी दिया है 7 सेंटीमीटर, आपको बी डी बताना है कितना इसके लिए। तभी जस्ट आपको रिलेशन बताया गया, क्या बताया गया आपको, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल ए सी स्क्वायर बी डी स्क्वायर, क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नॉन पैरेलल साइड ए डी स्क्वायर, क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल है, नॉन पैरेलल हो गया ए डी और बी सी, तो इसका स्क्वायर का सम प्लस ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल साइड ए बी इंटू सी डी, रख दीजिए ए सी स्क्वायर 49, बी डी स्क्वायर बी डी निकालना है, ए डी स्क्वायर ए डी तीन तीन का स्क्वायर 9, ए डी 9 हो गया, बी सी 16 ट्वाइस ए बी, ए बी 6, सी डी, सी डी आपको निकालना, सी डी सॉरी सी डी 5 निकालना था, तो बी डी चलिए बताए 16 और 9 25, 6 5 30 30 60, 6 5 30 30 60 और 25 85, 85 में 49 बता दें कितना हो गया, 85 में 49 36 निकलेगा, 85 में 49 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 85 में जब 49 घटाएंगे 36 होगा ना, चलिए तो यहाँ से बी डी निकल गया 6,
बात क्लियर है, आगे चलें। देखिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपका है, निकट भविष्य में कभी भी आ सकता है। सवाल आपको दे दिया है कि ए बी और सी डी फिगर से पता चल रहा है पैरेलल है, यहाँ लिख दिया ए बी और सी डी पैरेलल है। उसके बाद यह बता दिया गया कि ट्रायंगल बीओडी का एरिया बताएं, जबकि इसका एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया बता दें। अभी जस्ट एक रिलेशन आपको बताया गया, क्या बताया गया था, इससे इसका एरिया इक्वल है, ठीक है। किस पर वह बन रहा है ट्रायंगल, ना पैरेलल साइड पर जो ट्रायंगल बन रहा है दोनों के एरिया का इक्वल होगा, जिसको हम मिला दो, यह दोनों पैरेलल साइड हो गया, यह पैरेलल साइड हो गया, और यह दोनों क्या है, यह दोनों नॉन पैरेलल साइड हो गया। इस पर जो ट्रायंगल बन रहा है, इस नॉन पैरेलल साइड एसी और नॉन पैरेलल साइड बीडी जो ट्रायंगल बनेगा दोनों के एरिया बराबर होगा, इसको एक्स बनेंगे तो क्या होगा एक्स टू। तब यहां से हम लोग पढ़ चुके हैं इन दोनों का गुणनफल, पढ़े थे ना ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, क्या था ए वन इंटू ए थ्री इक्वल था ए टू इंटू ए फोर, ठीक है। तो ए वन हो गया एक्स, ए थ्री भी हो गया एक्स, उसके बाद ए टू हो गया आपका 16 और ए फोर हो गया 4, तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर 64, एक्स निकल जाएगा 8। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरीके से सारे बात समझ में आ गया होगा और एंजॉय भी किए होंगे। इस तरह से आप लोग मेरे साथ बने रहें और जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सके दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, इसमें हम कल डिस्कस करेंगे आइसोसेलस ट्रिपिजम समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज के बारे में, जो एग्जाम के वैसे और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तब तक के लिए।